हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। हमारा आज का टॉपिक है डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, हमने हमारे पुराने वीडियो में बात की थी ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। आज के हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन के अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेट्राइटस फूड चेन होती क्या है? डेट्राइटस फूड चेन बिगिन्स विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर बात करें हम किसकी, हमारा डेट्राइटस फूड चेन की, तो डेट्राइटस फूड चेन होता क्या है? डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, ये जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, इससे ये फूड चेन स्टार्ट होती है। और ये किसकी बनी हुई होती है? डिकम्पोजर्स की। ठीक है, इसके अंदर कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। और ये डिकम्पोजर्स मेनली कौन होते हैं? हमारे फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो डेट्राइटस फूड चेन मतलब डेट्राइटस से समझ में आ रहा है हमको कि डेड मटेरियल से रिलेटेड है। डेड मटेरियल से रिलेटेड रहेगी, मतलब डेड एंड डीके मटेरियल जो होता है, तो इसके अंदर डेट्राइटस फूड चेन जो है वो स्टार्ट हो रही है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स एंड मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया। जो फंगी और बैक्टीरिया होंगे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे? इनऑर्गेनिक मैटर में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हमने इस चेन को नाम क्या दिया? डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करते हैं? बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे ये लोग? डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफ्स। मतलब ये बैक्टीरिया फंगी क्या करेंगे? अपने न्यूट्रिशन के लिए जो डेड और डीके मटेरियल होगा या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसको क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। डिग्रेड करने से उनको क्या होगा? उनका न्यूट्रिशन मिलेगा। और उसको हम और क्या बोल देंगे? सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोल देंगे? सेप्रोट्रॉफ्स। डिकम्पोजर सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करेंगे दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और जो कि क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा किसका? डेड और वेस्ट मटेरियल्स का इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारे डिकम्पोजर्स है, और डिकम्पोजर्स कौन है? हमारे बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये बैक्टीरिया और फंगी करेगा क्या? एक तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा। और ये एंजाइम्स किस पे वर्क करेंगे? हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वर्क करेंगे और फिर उस मैटर को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? इन ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। ये फूड चेन होती किससे है? बैक्टीरिया और फंगस से। ये बैक्टीरिया और फंगस क्या करेंगे? हेल्प करेंगे किसके अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। डेट्राइटस फूड चेन बिगेंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर और इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, दे मीट देयर एनर्जी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? सिक्रेट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम को, जो कि ब्रेक डाउन कर देगा डेड मटेरियल का और इसको किस इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके ये जो हो गई हमारी प्रोसेस ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक था डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।